रतन सूत्र नंबर 3 या महामच्चु विजय सूत या महामच्चुंजय सूत, ये संस्कृत भाषा में कहेंगे तो महामृत्युंजय सूत्र नंबर 3। यं किंचि वित्तं इद्वा हुरंगवा सग्गेसु वा यं रत्नं पडितं नैनो समं अत्थि तथा गतेन इदंपि बुद्धे रत्नं पणितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। ये रतन सूत्र नंबर 3 है। अभी रतन सूत्र क्योंकि पूरे 18 सूत्र हैं, इसमें एक शब्द है जो आया हुआ है, शब्द दो शब्द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है इसमें वित्त और दूसरा है सग्गेसु। इसमें सबसे पहले समझिए वित्त का मतलब क्या है। वित्त बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है क्योंकि पाली में भगवान बुद्ध बुद्ध के समय से पहले से वित्त है। अभी तो जो वित्त को बोलते हैं वो बोलते हैं वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री, यानी पैसे वाला जो जो पैसा है उसका मंत्री या उसका मंत्रालय। ये वित्त का मतलब पैसे से है। तब पैसे से नहीं होता था क्योंकि काशापण तो बहुत बाद में आई और रुपये पैसे का तो मतलब नहीं था। तो वित्त क्या होता था? वित्त होता था ज्ञान का भंडार, नॉलेज का स्टॉक, यानी कि आपने कितनी ज्ञान और कितना नॉलेज इकट्ठा किया है उसको वित्त बोला करते थे पहले, बुद्ध बुद्ध के समय से पहले तक। और जो वित्ती होता था, जिसको ज्ञान प्राप्ति होती थी उसको कहते थे ये वित्ती है, यानी कि इसको ज्ञान का प्राप्त हो चुका है। तो एक शब्द तो इसमें ये है और दूसरा है सग्गेसु। सग्गेसु का मतलब है संस्कृत भाषा में स्वर्ग में या स्वर्ग पर। जो पुरानी भाषा है उसमें सग का मतलब बाद में संस्कृत भाषा में स्वर्ग किया गया, क्योंकि स्वर्ग में जो आधार रहे वो पाली में नहीं होता तो सग बोला। मगर सग में अब स्वर्ग जो आज के समय में बोला जाता है, चला जाता है, जो कहानियों में कविताओं में बताया जाता है, वो बताया जाता है कि कहीं आसमान पे बहुत सारा बहुत बढ़िया बादलों के बीच में बड़े रेशमी कपड़े पहन के आप रह रहे हो, चारों तरफ फल फ्रूट हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, गाने बज रहे हैं, सोने चांदी के भंडार हैं, सुख और सुविधा का कहीं दुख का कोई नामो निशान नहीं है, सब गोरे चिट्टे घूम रहे हैं, कोई काला वाला नहीं है, ना ही कोई दाढ़ी मूछ वाला है, ना ही कोई बीमार है, ऐसे सुंदर सुंदर चेहरे, ऐसे सुंदर सुंदर लोग, इतने सुंदर सुंदर, मतलब एक फेरी टेल है, एक परियों की कहानी है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, उसको स्वर्ग बोला जाता है यहाँ आज की भाषा में। मगर उस समय ऐसी कोई कल्पना भारत में नहीं थी क्योंकि भारत पुराने समय में कल्पनाओं में नहीं जीता था। तो सग का मतलब जो होता था, सग का मतलब है अच्छा, यानी कि बढ़िया। तो जो सगवास हो गया, सगवास का मतलब है जो अच्छा रहता है, बाद में उसको स्वर्गवास बोल दिया। तो सगवास का मतलब है जो अच्छा रहता है उसका सगवास है। या बोला सगलोक, सगलोक का मतलब है, अभी तो स्वर्गलोक बोलते हैं उसको, सगलोक का मतलब है अच्छा शरीर, यानी कि मेरा अच्छा शरीर है, उसमें कोई रोग नहीं है, तो वो सगलोक हो गया, सगलोक वाला हो गया। और अगर कोई अच्छा मार्ग है, अच्छा रास्ता है, तो कहते थे ये सग मार्ग है, यानी कि जो अच्छा मार्ग है आप इस पे जा सकते हैं, चाहे वो रास्ता कोई टीचर बताए या चलने का रास्ता हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक रास्ता हो, तो सग मार्ग हो गया, यानी स्वर्ग का मार्ग। अभी तो उसको स्वर्ग मार्ग कहते हैं कि आप स्वर्ग के मार्ग पे जा रहे हैं, बेसिकली सग मार्ग पे जा रहे हैं। तो ऐसे ही सग काया होती है, यानी शरीर जो होता है जिसका बहुत सुंदर बढ़िया होता है उसको कहते हैं अच्छा शरीर है, सग काया है। तो यहाँ सग्गेसु का मतलब है अच्छे में। अब ये जो पूरा का पूरा जो रतन सूत्र है, इस रतन सूत्र को आप अब अर्थ को समझिए। यं किंचि वित्तं इदंग वा हुरंग वा, यंग माने ये, किंचि माने कोई, वित्त माने जो ज्ञान का भंडार है, इदंग वा यानी इदवा, इधर, इधर का मतलब है कि जहां हम रह रहे हैं इस लोक में, इस आसपास में, और उदंग वा, और हुरंग वा का मतलब है यानी कि इससे परे, यानी कि इसको दो स्थान पर किया जाता है कि इस लोक में या परलोक में, यानी कि शरीर में या शरीर के बाहर, या इस क्षेत्र में या उस क्षेत्र में, कहीं भी कोई ऐसा वित्त नहीं है, ऐसे अच्छे कामों का संग्रह नहीं है। सग्गेसु वा यंग रत्नं पडित, सग्गेसु वा यानी कि स्वर्ग में भी या
कोई ऐसा रत्न यानी स्वर्ग के अंदर भी जो अच्छे काम इकट्ठे किए हैं लोगों ने, जहां अच्छे लोग रहते हैं, स्वर्ग का मतलब है जहां अच्छे लोग रहते हैं या अच्छे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, उनमें भी कोई ऐसा रत्न नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो इतने अच्छे काम जिसने इकट्ठे किए हों या इतने अच्छे काम किए हों। किसने किए हैं? नैनो समंग अति तथा गतेन। नैनो यानी कि नहीं है वो, सम माने सम जैसा, तथा गतेन अति माने है, तथा गतेन माने तथा गत जैसा, यानी कि उनमें कोई भी तथागत बुद्ध जैसा नहीं है जिसने इतने अच्छे काम इकट्ठे किए हैं, जिसने इतने अच्छे ज्ञान इकट्ठा किया है, ऐसा कोई भी नहीं है। इदंपि बुद्धे रत्नं पडितं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। यह भी बुद्ध के रत्नों में सबसे श्रेष्ठ रत्न है, इस सच्चे वचन से स्वस्थ हो। जो ये महामारी चारों तरफ फैली हुई है कहां, वैशाली के अंदर, वो स्वस्थ हो। यानी वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे एरिया में या इस लोक में या परलोक में जितने भी लोग हैं या जितने भी लोग रहते हैं और जो अच्छे काम करने वाले हैं, जिन्होंने भी बहुत ज्यादा अच्छे काम इकट्ठे किए हैं, संग्रह किए हैं, यानी कि अच्छे कामों का, अच्छे ज्ञान का संग्रह किया है, वो ऐसा ज्ञान जो संग्रह किया हुआ है, ऐसा जो सज्ञेषु यानी कि जो अच्छे लोग हैं उनमें भी कोई भी ऐसा रत्न या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने बुद्ध के बराबर ज्ञान हासिल किया हो। यानी बुद्ध ने सबसे बड़ा ज्ञान हासिल किया है और ये सबसे अच्छी बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है। इस सबसे श्रेष्ठ बात को समझते हुए, जानते हुए, उसका ध्यान करते हुए हम उनसे, जो वहां आसपास प्राणी हैं, उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आप मनुष्य का भला करें। ये पॉजिटिव बात है, ये अच्छी बात है। ये रतन सूत्र नंबर 3 है। धन्यवाद। Time.